नाम बहुत बड़ा है, बजाय जामुन है उतना बड़ा नहीं है। अब ये डोंगा है, इसने आधे डोंगे में भी जामुन नहीं आ पाया मैक्सिमम। बट मैं आपको बता दूं, इससे बड़ा मैं आपको जामुन दिखाने वाला हूँ। कहाँ मिलेगा ये पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा, बस मेरे वीडियो बने रहिए एंड तक। मैं आपको इससे बड़ा जामुन कम से कम पूरा ये आपका जो प्लेट है ना वो भर जाएगा। पर मेरे वीडियो बने रहिए, आप देखिए मैं आपको जामुन दिखाता हूँ। चलता आपको अपने सफर पे, जामुन के सफर पे। ओके टाटा बाय। बिगेस्ट गुलाब जामुन का सफ़र। तो दोस्तों हमारा सफ़र यहीं से स्टार्ट हो गया। ये है अपना नदेसे एरिया और यहाँ की ये सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। तो हम यहाँ से लेंगे घौसाबाद की तरफ, क्योंकि हमें लेना है पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी में अगर तेल ना हो, उसका पेट ना भरा हो, तो हम भी खाली रह जाएंगे। तो हमने पहले गाड़ी का पेट भरा भर के एकदम कायदे से, ताकि हमारे सफ़र में किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं घौसाबाद से निकल रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा पंडाल बनते हुए, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है तो हर जगह आपको पंडाल देखने को मिलेगा। वाराणसी में आपको पंडाल भी अच्छा खासा मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर से। उसके बाद मैं चौका घाट आ गया। चौका घाट से आपको मैं ले लेता हूँ लेफ्ट की ओर। यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा, आपको आगे मिलेगा एक ब्रिज, ये देख सकते हो यही बढ़िया ब्रिज है, हम इस पर चलने वाले हैं। क्योंकि रास्ता बहुत सा है, बट आपको कैसे आसानी पड़े इसीलिए मैं आपको ब्रिज के ज़रिए ले जा रहा हूँ, ताकि आप आसानी से पहुँच सकते हो। तो हम ब्रिज पे चढ़ गए थे, लेकिन काफ़ी धूप था, हमारा तो मन वैसे भी ख़राब होने लगा था। लेकिन आगे चलने के बाद मौसम अपने आप चेंज हो गया, आप देख सकते हो, और काफ़ी खूबसूरत मौसम वहाँ पे बन गया था, जैसे कि हमारे लिए ही बना। बट उतने अच्छे भी इंसान नहीं कि हमारे लिए मौसम बने, लेकिन बन गया, ऊपर वाले रहम खा गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिज के ऊपर से वाराणसी का रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, साइड में थोड़ी सी जगह स्पेस दी गई है। उसके बाद मैं जैसे यहाँ से उतरता हूँ, बगल में आप मंदिर देख सकते हो। यहाँ से आप दो चार कदम आगे पहुँचोगे तो एक और आपको ब्रिज का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो ये उल्लू वाला जो अपना बस है, अपना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। इसके पीछे मैं निकल गया, फिर आगे पहुंचा। आपको मैं दिखा दूं कि ये ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक भी है, ताकि आपको चढ़ने उतरने में आसानी रहे, आराम से आप पहुंच सकते हो। तो जैसे ही हम ब्रिज से उतरने लगे तो हल्की बारिश होने लगी, तो हमने कहा भीगने की ज़रूरत नहीं है। बारिश दोस्तों, हमने लंबी लंबा आधा अपना सफ़र पूरा किया, बट बारिश हो रही है इसीलिए हम रोड पे रुक गए अभी। अब बारिश रुकी है तो आगे का सफ़र फिर से जारी रखते हैं। हम बने रही हमारे वीडियो में, मेरे काफ़ी लोग रुक रहे हैं मेरे पीछे, मतलब मैं सही जगह रुका हुआ। तो हमने कहा कि अपना सफ़र फिर से जारी रखते हैं, क्योंकि बारिश अभी हल्की हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ होने लगे। तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ से मैं जैसे ही आगे बढ़ता, उसके बाद आपको मिलेगा चौराहा। तो चौराहे पे मैंने देखा काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। चौराहे आने के बाद आप इधर जो राइट की ओर है आप मुड़ जाइएगा, उसके बाद आपको एकदम सीधा जाना है, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ का जो रोड था काफ़ी इस वक्त ख़राब हुआ था, मेरे ख्याल से ये बन रहा था, तो काफ़ी धूल का सामना भी करना पड़ा हमें। बट हमने कहा कोई बात नहीं, आपको मैं जामुन जो बिगेस्ट जामुन है वो तो दिखा के रहूँगा, चाहे जितना भी धूल में जाना क्यों ना पड़े। बट एक बात आप याद रखिएगा, ये जो जामुन आप है मेहमान के सामने बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि वो तो एक एक खा जाएंगे, लेकिन आपको पड़ जाएगा महंगा, क्योंकि आप 5 रुपये पाले बिस्कुट लगाने वाले इंसान हो गए। तो अब ये आ गया आपका मरवादी चौराहा, और यहाँ से आपको लेना है राइट, और यहाँ पर अक्सर भीड़ लगी रहती है। बट यहाँ पर आप वीडियो स्किप जरा सा ही मत करिएगा, क्योंकि यही रोड है जो आपको डायरेक्ट आपके मंजिल तक पहुँचाने वाला है। तो आप वीडियो पूरा देखते रहिए, जहाँ पे आएगा मैं आपको बता दूंगा।
दोस्तों ऑब्वियसली हमें इतना बड़ा वाला जामुन जो है मिल गया, आपको मैंने सफ़र दिखाई दिया किस जगह पे है, कहाँ पे ये मिलता है, या देख सकते हो फिलहाल डॉक्टर के जी शंकर। तो इसके ठीक अपोजिट पे आपको जो शॉप मिल जाएगी, आपको जामुन किसी जगह कहाँ भी कितना बड़ा है देख सकते हो, पूरा एक जो ये है ना कटोरी नीचे लगा, तो पूरी एक कटोरी ये भैया इसमें एकदम एकदम भर गई है, जब काफ़ी ज़्यादा। और बस टेस्ट करते रहे क्या लगता कैसा है, अगर मैं सीधा तो भूल रहा भाई। एक नंबर है, हमें तो मज़ा आ गया। आप भी आओ, अभी एड्रेस आपको देख ही हमारे ब्लॉग में, आपको एड्रेस मिल जाएगा, अच्छी है देख सकते हो, काफ़ी लोडेड है एकदम सीधा दबा है। तो ऐसे ही वीडियो आपको आगे हम दिखाते रहेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट कोई डिश के साथ।